गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जो आपके डिट में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा के नाम से संबोधित है, उसी के बारे में बच्चों हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जब पाठ्यक्रम की परिचर्चा का नाम से यह हमारा टॉपिक है, तो इसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश है। जैसे हम कह सकते हैं, हम कई बार हमारे अर्थ और परिभाषा को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन बच्चों जो ये परिभाषाएं हैं, ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं वगैरह जो लिखी गई है, ये हमसे उसमें पूछी जाती हैं। तो इन सबके जो बिंदु हैं, जो आगे मैंने इसकी अवधारणा बताई आपको, इनकी विशेषताएं बताई आपको, इन सबको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमारे जो ये टॉपिक है हमारा, इसके अंदर इनकी एक महत्वपूर्ण, जिसे सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो इन सभी चीजों का आप जो ध्यान से देखें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम की परिकल्पना, यानी कि हम जब अवधारणाएं बनाते हैं, उनका सारा जो कार्य करते हैं, हम किसके आधार पर करते हैं? परिकल्पना। परिकल्पना का अगर हम अर्थ देखें सामान्य शब्द में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे विचार होते हैं, अर्थात हमारे तर्क होते हैं। और हम परिकल्पना जो करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? परिकल्पना करते हैं हम जब हम किसी घटना की व्याख्या करने का, जो व्याख्या होती है, उसके बारे में हम कोई सुझाव लेते हैं, और वो सुझाव हमारे अलग अलग प्रतीत होने वाले होते हैं। इनकी घटनाओं के अपने संबंध की व्याख्या करने वाले कोई तर्कपूर्ण सुझाव हमारे क्या कहलाते हैं? परिकल्पना। परिकल्पना, परिमीन्स हमारा आवरण, कल्पना यानी हमारे जो हम कल्पना करते हैं, तभी हमारे अंदर वो विचारों का उत्पन्न होता है, यानी कल्पना जिसे के बारे में हम सोचते हैं। एक चीज बच्चों की परिकल्पना जो होती है, उसके लिए वैज्ञानिक ये चीज मानते हैं कि जो भी हम परिकल्पना बनाएं, वो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसपे कि हम परीक्षण करें। यानी कि हम जब भी परिकल्पना बनाएं, तो परिकल्पना परीक्षणीय होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, पूछा भी जा सकता है कि जो कल्पना होती है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि कल्पना हम जब भी करते हैं, हमारी परिकल्पना हमेशा परीक्षणीय कल्पना होनी चाहिए, जिसका कि हम परीक्षण कर सके। क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार उत्पन्न होते हैं तभी हम उस पर कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं तो हम अंत में उसका परीक्षण, अगर हमारे मन में विचार है तो उसे हम जरूर से जरूर जांचते हैं। कहते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हम उसे उसके ऊपर कार्य करने की सोचते हैं, अर्थात हम उसके बारे में परीक्षण करने की सोचने लगते हैं, जांचते हैं कि हमारे दिमाग में ये कौन से विचार और क्यों उत्पन्न हुए। इसीलिए हम कहें कि परिकल्पना, तो परिकल्पना होती है किसी घटना की व्याख्या करने वाले का कोई सुझाव, या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाएं, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? संबंध करते हैं। यह चीज, एक चीज ये कहें कि परिकल्पना व्याख्या करने वाला तर्कपूर्ण, यानी कि जिसके बारे में हम तर्क देते हैं, तर्कपूर्ण सुझाव क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। यानी कि विचार, तर्क देते हैं, वो विचार प्रस्तुत करते हैं, ये है हमारी जो परिकल्पना का अर्थ। अब हम देखें कि परिकल्पना होनी कैसी चाहिए। तो परिकल्पना के लिए हम कहते हैं कि परिकल्पना हमेशा परीक्षणीय होनी चाहिए। परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? परीक्षणीय होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम उसे परीक्षित करें, उसे जांचे, परीक्षणीय होनी चाहिए। परीक्षणीय होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिसके बारे में हमारे लिए विचार नहीं होंगे, परीक्षणीय नहीं होंगे, हम जिसे जांचने की कोशिश ही नहीं होगी, तो फिर उस कार्य को करने से क्या मतलब? यानी वो तो कार्य हमें पूरा मिलता है। हम जब कार्य करते हैं तभी तो हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए अगर हमारे विचार हैं, उन विचारों को हम जांचते हैं,
कि हमारे दिमाग में उठने वाले विचार आखिर कहाँ तक सही है, तो उसे हम किस तरह से जांचेंगे? जब तक हम उसका परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं जांच सकते। तो ये है हमारी परिकल्पना का अर्थ, और ये चीज मैंने आपको बताई है कि हमारी जो परिकल्पना होती है वो परीक्षणीय होती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है। ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम की जो परिकल्पना है वो कैसी होनी चाहिए, या हम कहें कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बच्चों, जो ये टॉपिक है आपका, ये कम से कम आपके 30 या 40 नंबर का होता है, तो इसे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखें और सुने। अब आता है हमारा इस परिकल्पना की विशेषताएं, कि परिकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, परिकल्पना की विशेषताएं कि कौन कौन सी परिकल्पना के अंदर विशेषताएं होती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारे दिमाग में हमारे तर्क जो उत्पन्न होते हैं उन तर्कों के कोई आधार होने चाहिए, आखिरकार उनमें विशेषताएं होनी चाहिए, तभी तो हमारे वो विचार एक तरीके से महत्वपूर्ण होंगे। अगर हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, या हम कहें कि हम उसका कोई परीक्षण नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए हमारे वो तर्क महत्वहीन होंगे। इसीलिए अगर हमें उसे महत्वपूर्ण बनाना है तो उसे उसके गुणों को ढूंढना चाहिए, उसके अंदर पाई जानी विशेषताओं को ढूंढना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखें परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा उद्देश्यपूर्ण। सबसे पहला है हमारा उद्देश्यपूर्ण, कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। फिर है हमारा सेकंड, कि पाठ्यक्रम में जो परिकल्पना है परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक। परिकल्पना हमारी रचनात्मक होनी चाहिए, रचनात्मक। और लास्ट में हम देखें कि परिकल्पना सुविचारित होनी चाहिए, परिकल्पना सुविचारित, जो यानी कि हम उस पर विचार कर सके। यानी कि ये हमारी परिकल्पनाओं में ये हमारी विशेषताएं होनी चाहिए। इन तीन आधार पर हम परिकल्पनाओं का चयन करते हैं, या हम कहें कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के प्रति इन तीन चीजों का उसके अंदर समावेश होना चाहिए। ये विशेषताएं अगर हमारे उस कार्य में पाई जाएंगी तो वो कार्य हमारा प्रभावी होगा। इसीलिए जब पाठ्यक्रम की परिकल्पना तैयार की जाती है, तो परिकल्पना जब हम तैयार करते हैं तो परिकल्पना को तैयार करने के लिए हमें इसमें तीन विशेषताएं होती हैं। परिकल्पना के लिए हम जो खुद वैज्ञानिक ही चीजें कहते हैं कि परिकल्पना हमारी परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षित, जिसे हम उसका परीक्षण कर सके, जांच सके, ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उस विचार को हम जांचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही हमारे अंदर एक विचार होना चाहिए जिसे हम जांच सके। तो इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने बताया कि तीन विशेषताएं होती हैं परिकल्पना की। कौन कौन सी? परिकल्पना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, परिकल्पना रचनात्मक होनी चाहिए, और परिकल्पना सुविचारित होनी चाहिए। अब हम इसमें प्रथम पॉइंट देखते हैं कि परिकल्पना उद्देश्यपूर्ण। हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम को अगर हमें सफल बनाना है, हमारा उद्देश्य होता है हमारे पाठ्यक्रम को सफलता दिलाना, तो अगर हम उसको सफलता दिलाना चाहते हैं, या हम कहें सफल बनाना हमारा सफल पाठ्यक्रम को सफल बनाना हमारे लिए आवश्यक होता है, तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारी जो परिकल्पना है वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं, जब तक उस कार्य में कोई उद्देश्य निहित नहीं होगा तब तक हमारा कार्य है, यानी कहें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमें एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि हम किस तरीके से हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमारे कार्य में अगर उद्देश्य निहित नहीं होगा तो वो महत्वहीन होता है।
हाँ, इसीलिए हमारी परिकल्पना को उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, हमारे परिकल्पना के उद्देश्य का उद्देश्य जो होता है, वो सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षार्थी के अधिगम के साथ साथ हम इसके संपूर्णता को परिलक्षित करते हैं, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें उसके अंदर समाहित है। यानी कि शिक्षण अधिगम में तो हम जिस चीज को करते हैं, लेकिन साथ में हम उसकी संपूर्णता को परिलक्षित करते हैं, दिखाते हैं कि उसके चारों तरफ ऐसा कौन सा आवरण है जो उस पर लक्षित किया था। परिलक्षित होना चाहिए, लक्ष्य से पूरित होनी चाहिए, और लक्ष्यों के आधार पर हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। इसीलिए जब तक उसमें संपूर्णता जो उसका विषय है उसके अंदर हमारे लक्ष्य निहित नहीं होंगे तो हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए इसे परिकल्पना के लिए कहा जाता है कि परिकल्पना को उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके और हम जो सोचते हैं उस कार्य को हम पूरा कर सके। उद्देश्यों का संघर्ष या हम कहें फिर यदि उद्देश्यों में अगर हमारे जो संघर्ष सामंजस्य होते हैं और स्पष्ट या अस्पष्ट होते हैं, वो किस पर निर्भर है? हमारी परिलक्षिता पर। यानी कि हम जो उद्देश्य हम उसके लिए पूरा करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे जो लक्ष्य निहित हैं, अगर कहीं ना कहीं हमारे उन लक्ष्यों में कमी है तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य में भी वो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अर्थात हम कहें कि हमारे उद्देश्य भी अस्पष्ट हो सकते हैं, और सामान्य भाषा में हम कहें तो हम उद्देश्य में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। इसीलिए परिकल्पना को उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। फिर है हमारा सेकंड, हमारा परिकल्पना रचनात्मक होनी चाहिए। परिकल्पना रचनात्मक होनी चाहिए, ये एक सिद्धांत है। इसके लिए कहते हैं यह सिद्धांतों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। इसके जो चरण हैं वो नए नए प्रयोगों, नए नए तथ्यों, है ना, नए नए तथ्यों को इसमें सम्मिलित करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी को कहते हैं कि इनके आधार पर हम करते हैं, जब हम कोई नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे कार्य करने की चीजें देखी जाती है कि हमने किस तरीके से वो कार्य करे। अगर हम नए नए तरीके से उनमें कार्य करते हैं, अगर हमें रचनात्मक शक्ति का विकास करना है तो उसके लिए हमें नए प्रयोग, नए नए तथ्यों को खोजना पड़ेगा। और ऐसी ही हमारी जो हमारी परिकल्पना है, कहते परिकल्पना के आधार पर कार्य किया जाता है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि रचनात्मक, जिससे कि हमारा मन करे कि हम इसके लिए नई नई चीजों का, नई नई चीजें ढूंढें, नए नए प्रयोग करें, नए नए तथ्यों का इसमें समावेश करें। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होगी तो जो कार्य हम करना चाह रहे हैं उस कार्य में कुछ प्रभाविता नहीं दिखाई देगी। तो हम कार्य को अगर रचनात्मक करना है तो हमारी परिकल्पना को भी रचनात्मक बनाना है। इसीलिए इसको हम जो हमारी इसके अंदर सम्मिलित करते हैं, इन कार्यों को, तथ्यों को, नए नए प्रयोगों को, इनको इनमें सम्मिलित करके हम अपार जो उसकी संभावनाएं प्रदान करते हैं कि ये हमारी सफल हो सकती है। अतः पाठ्यक्रम की जो हमारी परिकल्पना है उसको रचनात्मक होना चाहिए। फिर है हमारा थर्ड, परिकल्पना सुविचारित। परिकल्पना सुविचारित होनी चाहिए। इसके लिए हम कहें कि पाठ्यक्रम के दौरान यह आवश्यक है कि प्रत्येक उद्देश्य और विषय वस्तु को सुविचारित होना चाहिए, यानी कि जिस पर हम अच्छे विचार प्रकट कर सके। अगर हम जिस कार्य में नेगेटिविटी लाएंगे, हमारे विचार नकारात्मक रहेंगे, तो हमारा वो कार्य हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। वो कार्य हमारा अगर उसके प्रति बीच में ही अगर हमारे विचार, सबसे कहते हैं ना जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारे विचार अहम भूमिका निभाते हैं। हम कहें कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, कई बार हमारा मन करता है कि हम उस कार्य को चले, अगर हमें नेगेटिविटी अगर उस कार्य के प्रति आ जाती है तो हम वो कार्य में जो हमारी लगन होती है वो हट जाती है। इसीलिए हम उस कार्य को ना पूरा कर सकते हैं, और जब कार्य पूरा नहीं होता है तो हमारा वो उद्देश्य बीच में ही रह जाता है। इसीलिए जो ये कहा जाता है कि परिकल्पना को सुविचारित होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अच्छे और सही विचार रखें। सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारी सोच सकारात्मक, जो कार्य हम करते हैं, कहते हैं ना जब तक हम मेहनत जो कर रहे हैं उसके प्रति अगर हमारी सकारात्मक, हमारे खुद के विचार सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हमारा वो कार्य सफल नहीं होता। जहां हमारी नेगेटिविटी आ जाती है हम असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए है कि परिकल्पना के लिए ये आवश्यक है
कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको सुविचारित होना चाहिए, विषय वस्तु को सुविचारित होना चाहिए, या हम कहें किसी को भूलवश या किसी विवादित विषय को इसमें महत्वहीन जो विषय होते हैं उसे हमें नहीं जोड़ना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मन के अंदर ही नेगेटिविटी लाए ऐसे विचारों का हमारे इसके अंदर परिकल्पना में समावेश नहीं करना चाहिए, ऐसे विषयों का इसके अंदर समावेश नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए कोई विवाद उत्पन्न कर सके। तो बच्चों आज के टॉपिक था हमारा परिकल्पना की विशेषताएं, इसमें मैंने आपको अर्थ भी बताया है और परिकल्पना की विशेषताएं भी बताई हैं कि परिकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि परिकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि परिकल्पना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए और परिकल्पना सुविचारित होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। धन्यवाद।